गाइस, हाउ आर यू। तो दोस्तों, आज हम यूरोप की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और इस वक्त हम अभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हैं। तो सारे पैसेंजर्स बैठे हैं, फ्लाइट का वेट कर रहे हैं। सिरीन एयर है मेरी, ट्रैवल विद सिरीन। तो बोर्डिंग वगैरह हो गई है, वेट वगैरह हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ। देखता हूँ कि मनी चेंजर है यहाँ पे, मिल जाए तो देखते हैं क्या मिलता है फिर यहाँ पे। ये सारे लोग नीचे फ्लाइट का वेट कर रहे हैं और मैं जो मनी चेंजर ढूंढ रहा हूँ। ये देखें, पीछे बच्चों का खेलने की जगह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो मैं अभी जो है, मैंने वो भाई से पूछा, पीछे भाई बैठे हुए हैं, उनसे पूछा तो वो कहते हैं मनी चेंजर यहाँ पे एक भी नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या क्या है एयरपोर्ट पे। सबसे पहले एयरपोर्ट पे जब हम आए थे तो उन्होंने बोर्डिंग वगैरह की है। अच्छा, एक मसला, पहली बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो वो एक मसला बहुत बड़ा है कि यार बार बार बेल्ट उतरवा के तो उतार के फिर रखो मशीन में, फिर उस तरफ आओ, क्रॉस करो और फिर पहन लो। तो अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए कुछ चीज़ अवेलेबल है। ये कॉफ़ी प्लेनेट है, बट कॉफ़ी मैंने पीनी नहीं है। और देखते हैं और क्या क्या है इधर एयरपोर्ट पे। वो सामने नमाज पढ़ने की जगह है और ये बोर्डिंग काउंटर्स हैं। ये मेरे पीछे ये जो चेकिंग होती है और हाँ, वो मैं आपको बता रहा था, बार बार बेल्ट उतरवा के फिर देखते हैं, फिर चेक, फिर रखवाते हैं। फिर जो है वहाँ पे आया हूँ मैं, उन्होंने सामान मेरे से ले लिया और वेट वगैरह उसका कोई भी नहीं किया, तो वेट नहीं किया उन्होंने। फिर मैं नेक्स्ट काउंटर पे हूँ अपना हैंड कैरी लेके और दूसरा डॉक्यूमेंट्स बैग लेके। तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग दी है, बोर्डिंग पास सिरीन एयर। तो फिर मैं आगे आ गया हूँ, फिर मैं आगे आया हूँ, उन्होंने मेरा अगेन चेकिंग की है। चेकिंग करके दोबारा बेल्ट वगैरह उतरवाया है और बैग वगैरह चेकिंग करके तो मुझे भेजा। फिर मैं अभी नहीं आया हूँ सी टू, उस पर उन्होंने मुझे भेजा है, उसमें गेट नंबर सी टू पर भेजा है। तो सी टू पर आया हूँ, अब देखता हूँ यहाँ पे। मेरे पास थोड़े से पैसे थे पाकिस्तानी रुपीज़, तो मैंने कहा क्यों ना एक्सचेंज करवा लूँ उन्हें। तो देख सकते हैं ये गेटअप मेरा, खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ, नीचे लोग वेट कर रहे हैं। सिरीन एयर का एयर सियाल चली गई है, एयर ब्लू भी चली गई। तो अभी जो है आए उस तरफ, देखते हैं क्या है। अच्छा, ये C3 और C4 गेट है, लेकिन हमने C2 पे जाना है, हमारे पास पे C2 है। ये मस्जिद बनी हुई है यहाँ पे, ये सामने, ये पीछे मस्जिद है, यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये सब, मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हूँ, इस्लामाबाद से कराची ट्रैवल कर रहा हूँ, फिर कराची टू यूरोप ट्रैवल करूँगा। तो पहली फ़्लाइट तो मेरी डोमेस्टिक फ़्लाइट है सिरीन एयर की, और वहाँ से आगे मेरी जो है यूरोप की फ़्लाइट जो है ना, वो सुबह है 3 बजे। तो कराची का एयरपोर्ट भी आपको मैं दिखाऊँगा, तो साथ साथ शेयरिंग करते रहेंगे। कराची एयरपोर्ट पर मेरा है 3 से 4 घंटे मेरा स्टे है कराची एयरपोर्ट पर। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे तो कोई मसला नहीं हुआ, इतना ज़बरदस्त सीन हुआ है सारा, लेकिन एक वो बेल्ट उतारने वाली थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत ज़बरदस्त जो है ना एयरपोर्ट है इस्लामाबाद एयरपोर्ट, तो है भी बहुत प्यारा। अभी मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, वो एयर ब्लू का जहाज़ जा रहा है पीछे मेरे पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ। वो जहाज लगे हैं अंदर,
वो सामने, वो नीचे लोग बैठे हुए हैं बहुत सारे, इंतज़ार कर रहे हैं। अब हम अपने जहाज़ का वेट कर रहे हैं कि कब श्रीनगर लगेगी और हम लोग जाएंगे। तो वो सामने एयर सियाल जहाज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये एयर सियाल है, साथ में श्रीनगर है। तो लोग वेट कर रहे हैं, कुछ लोग कराची तक जाने वाले हैं। मैं जाता हूँ लिफ्ट में, तो लिफ्ट से नहीं, एलिवेटर से नीचे जाते हैं। आगे भी लिफ्ट से गए थे, तो ये हम जा रहे हैं एलिवेटर पे। एलिवेटर यूज़ कर रहे हैं एयरपोर्ट का। मैंने कहा थोड़ा सा आपको एयरपोर्ट का रिव्यू दे दूं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट कैसा है। ये लोग जो हैं बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का। उस तरफ लेडीज़ वॉशरूम है। ये चार्जिंग वाली जगह है, बहुत सारे लोग मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। और ये हमारा टेबल है, ये शहीद भाई बैठे हुए हैं, ये हमारे साथ जा रहे हैं। तो वो देखें जहाज, वो जहाज लगा, ये शहीद भाई बैठे हैं। हाँ जी शहीद भाई, कैसा है इस्लामाबाद एयरपोर्ट? यार बहुत जबरदस्त सर्विस, सब कुछ है हमारे पास। बहुत ठंड है, आपने तो हाफ जैकेट शर्ट पहनी है। मैंने अपना जैकेट ये रखा हुआ है जी। नहीं नहीं यार, यूरोप में तो बहुत ठंड है। अभी तो आप सब्र करो, आप तुर्की नहीं पहुँचे। शहीद भाई, तो अभी यहाँ से हम जा रहे हैं कराची, दोनों भाई ये भी मेरे साथ यूरोप जा रहे हैं जी। तो मैंने कहा शहीद भाई से थोड़ी सी बातें कर लें, करते हैं बातें। तो आप भी मेरे साथ श्रीनगर से ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये तो सर्विसेज, तो अभी श्रीनगर में जाएंगे तो पता चलेगा। उससे पहले जो है उनका चेकिंग वगैरह सिक्योरिटी वगैरह ज़बरदस्त थी, लेकिन एक मसला था क्या, जो बार बार रश भी था और बेल्ट उतार के जो है बार बार। आप तो भी बेल्ट? नहीं, मैंने तो बेल्ट नहीं उतारा, मेरा तो सब कुछ इस तरह किया। आपने पहना ना बेल्ट? तो मेरा तो ये लोहा सा लगा हुआ था, उन्होंने एक बार भी उतरवाया, दूसरी बार भी उतरवाया, तो उस वजह से थोड़ा सा मसला हो गया। बाकी है कि बहुत ज़बरदस्त सीन है सारा। तो अभी बस जहाज़ लगेगा, हम लोग बैठेंगे कराची एयरपोर्ट पे, भी थोड़ी बहुत बातें वगैरह करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।